तारीख थी 5 जून। सुबह के 7:10 पर तेल अवीव शहर में सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ देर बाद 150 से ज्यादा फाइटर जेट वहां से उड़ान भरते हैं। जॉर्डन इस हलचल को अपने रडार पर देखता है, लेकिन चूंकि इसराइल आए दिन विमानों को उड़ाकर ट्रेनिंग ऑपरेशंस किया करता था, इसलिए उन्हें यह सब नॉर्मल लगता है। और यही उनसे पहली चूक होती है, क्योंकि उस दिन वो विमान तेल अवीव से निकलकर मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो इसराइल से दूर जा रहे थे। यानी साफ है, इसराइल जंग की शुरुआत करने जा रहा था और उसका टारगेट था इजिप्ट और उसके एयर बेसिस। जॉर्डन जब तक इस बात की खबर इजिप्ट को देता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सारे जेट एक साथ इजिप्ट में घुस जाते हैं और फिर वो तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इस युद्ध से इसराइल पूरी दुनिया को चौंका देता है और इसराइल के दिए जख्म आज भी मिडिल ईस्ट को खलते हैं। ये शुरुआत थी एक ऐसी जंग की जिसमें 4 देश शामिल थे। इसराइल अकेला था, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट एक साथ थे। इसराइल इस जंग को कैसे जीतता है और कैसे उसे वो हासिल हो जाता है जिसकी तलाश उसके पुरखे 2000 सालों से कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं 6 डेज वॉर की। जो लड़ाई चली तो थी सिर्फ 6 दिन, लेकिन इस लड़ाई के बाद इसराइल उन देशों की लिस्ट में शुमार हो गया जिससे पंगा लेने से पहले किसी भी मुल्क को 10 बार सोचना पड़ता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि इस जंग को इसराइल अपने दम पर जीत गया था। तो आखिर क्यों जीता था इसराइल, क्या थी सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी गलती, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पहले अरब इसराइल वॉर के नतीजे तक इसराइल के पास इतनी जमीन थी। आज का वेस्ट बैंक जो कुछ ऐसा था उस पर जॉर्डन के किंग का हक था। गजा स्ट्राइक इजिप्ट के कंट्रोल में थी। ये गोलान हाइट्स का एरिया सीरिया का हुआ करता था, लेकिन ये नक्शा 6 दिन की जंग के बाद बदल जाता है। ये जंग वैसे 1967 में हुई थी, पर इसके बीच 1956 सुएज कैनाल क्राइसिस के दौरान ही बोए गए थे। ये है सुएज कैनाल, एक ऐसा रास्ता जिसके कारण दुनिया का एक तिहाई बिजनेस कम टाइम में हो पाता है। साल 1956 से पहले तक इसको सुएज कैनाल कंपनी ओन करती थी, जिसके मालिक फ्रांस और ब्रिटेन थे। पर इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट अब्दुल नसीर अनाउंस करते हैं कि वो सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, यानी सुएज कैनाल वापस इजिप्ट का होगा। अब इस फैसले के बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी हुकूमत डर जाती है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नसीर सुएज कैनाल को लेने के बाद आने जाने वाली शिप्स पर टैक्सेस ना लगा दे। प्लस इसराइल भी नसीर के इस मूव को लेकर चिंतित था, क्योंकि नसीर एंटी जायनिस्ट था, इसलिए वो इसराइल के लिए इसे बैन भी कर देगा, ये आशंका जताई जा रही थी। इसलिए ये तीनों, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल मिलकर इजिप्ट पर आक्रमण कर देते हैं। इनका मकसद केवल था नसीर की सरकार गिराना। हालांकि तीनों इस काम में नाकामयाब रहते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका इन्हें डरा धमका कर रोक लेता है। खैर, ये जंग तो खत्म हो जाती है, फिर एक डील साइन होती है जिसके तहत सुएज कैनाल इजिप्ट का ही हो जाता है। पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इस डील के जरिए ही इस जगह पर, यानी साइनाई पेनिनसुला, जिसे अटैक करके इसराइल ने कब्जे में कर लिया था, इसे वापस लौटाने के लिए इसराइल ने शर्त रखी थी कि ये जगह डीमिलिटराइज्ड रहेगी, या यूं कहें कि यहाँ पर UN पीस कीपिंग फोर्सेज का कंट्रोल होगा। और इजिप्ट इसके लिए मान जाता है। सबको लगता है कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर ऐसा था नहीं। जंग के दौरान अकेला इसराइल ही था जो सुएज कैनाल से थोड़ी दूरी तक घुसाया था। नासिर को इस बात का बड़ा दुख था। इसराइल के लिए उसकी नफरत यहाँ से और बढ़ जाती है, और सच तो ये था वो इसराइल से बदला लेना चाहता था, पर उस समय वो बदला लेने जैसी हालत में था नहीं। इसलिए इस जंग के बाद वो सोवियत यूनियन के साथ इजिप्ट के रिश्ते मजबूत करता है, उनसे एयरक्राफ्ट्स खरीदने लग जाता है, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने लग जाता है। ये सब इसराइल के लिए चिंता की बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसराइल को चिंता थी जॉर्डन और सीरिया की। 1950 में इसराइल से लड़ने के लिए यासिर अराफात ने फतेह पार्टी बनाई थी, जिसके लोगों ने इसराइल को सताने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई थी, यानी वो सुइसाइड बॉम्बिंग इसराइल के शहरों में करते थे। केवल वेस्ट बैंक में ही नहीं, ये लोग सीरिया, लेबनान, जॉर्डन सब जगह फैले हुए थे। आए दिन इजरायली सिटीज में अटैक हुआ करते थे। ऐसा ही एक अटैक 1967 में होता है सीरिया के गोलान हाइट्स से, जिसके कारण एक यहूदी किसान की जान जाती है। जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 अप्रैल को इसराइल एक रेड करता है जिसमें वो सीरिया के कई सारे विमानों को तबाह बर्बाद कर देता है। पर यह चीज़ गौर करने वाली है, क्योंकि अटैक गोलान हाइट्स से हुआ था, इसलिए इसराइल के लीडर्स का कहना था उसने सीरिया की आर्मी को टारगेट किया।
पर सीरिया इसे एन एक्ट ऑफ वॉर समझता है, हालांकि इसके बावजूद वो कुछ नहीं करता है। पर यह खबर कि इसराइल ने सीरिया पर हमला किया पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में फैल जाती है और लोगों में इसराइल की दादागिरी को लेकर गुस्सा पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ कहानी का एक पहलू बताया जाता है, यानी ये कि इसराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया नासिर, जिसे उस वक्त तक न केवल इजिप्ट का बल्कि पूरे मिडल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड का नया राजा और हीरो माना जाता था, उसके ऊपर भी प्रेशर बन जाता है। लोग डिमांड करने लग जाते हैं कि वो कुछ करे और वो करता है। दोस्तों, ये तीनों देश सुएज क्राइसिस के बाद से ही साथ में काम करना चालू कर चुके थे और इसकी वजह एक संस्था थी जिसे UAR यानी कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का नाम दिया गया था। इसी के जरिए इन तीनों के बीच एक संधि थी कि अगर इसराइल किसी पर भी हमला करता है तो तीनों मिलकर उस पर अगल बगल से आक्रमण कर देंगे। नसीर अरब लोगों से वादा करता है कि अगर इसराइल ने अब कभी सीरिया को सताया तो वो हमला कर देगा। अब इसके बाद ही पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एंटी जूस मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जिस दौरान सारे अरब मुल्क एकजुट हो जाते हैं और इसराइल के सर्वनाश की मांग करने लग जाते हैं। और सोवियत यूनियन ये सब एक जगह बैठकर क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने देखा कि ये मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है तो उसने जलती हुई आग में घी डालकर पूरे इलाके में आग ही लगा दी। 13 मई 1967 को सोवियत यूनियन की तरफ से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट नासिर को दी जाती है, जिसमें झूठे दावे किए गए थे कि इसराइल यानी कि IDF की 12-13 ब्रिगेड्स सीरिया की तरफ ले जाई जा रही हैं। उनका कहना था इसराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जैसे सीरिया पर एक अटैक। नासिर इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद इजिप्ट देश के आर्मी चीफ को सीरिया के दौरे पर भेजता है। अब ऐसा कहा तो जाता है कि आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया था जैसा सोवियत की रिपोर्ट क्लेम कर रही थी, पर इसके बावजूद नासिर एक्शन लेता है। आपको याद होगा साइनाई पेनिनसुला पर जो UN पीस कीपिंग फोर्सेस थी, नासिर उन्हें वहां से विथड्रॉ करने का ऑर्डर देता है। फिर 16 मई को वो साइनाई पर अपनी फौज चढ़ाता है। इधर इसराइल इजिप्ट बॉर्डर के करीब भी ट्रूप्स की गिनती बढ़ा देता है और इजिप्ट के तब के समय के सबसे अच्छे विमान यानी कि MiG-21s को किरबित एयरबेस में लाकर खड़ा कर देता है, जो सदर्न इसराइल से बस थोड़ी सी ही दूर पर है। ये सब हरकतें टेल अवीव में इसराइल के लीडर्स की टेंशन बढ़ा देते हैं। कहा तो जाता है कि नासिर का ये सब करने के पीछे मकसद था इसराइल को डराना कि अगर वो सीरिया के खिलाफ कुछ एक्शन लेगा तो समझ ले उसको एक साथ दो दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसी टैक्टिक्स अक्सर काम भी करती हैं। एक साथ दो दुश्मनों का सामना करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं, पर रिस्पांस में इसराइल भी अपनी आर्मी की प्रेजेंस सदर्न इसराइल बॉर्डर के पास बढ़ा देता है और 300 से ज़्यादा टैंक्स और फौज लगाकर ताकि आर्मी को इजिप्ट की डराया जा सके। खैर, अभी यह सब हो ही रहा था कि इसी बीच जॉर्डन के किंग भी इस ट्रीटी पर साइन करते हैं कि अगर इसराइल ने इजिप्ट या सीरिया के ऊपर अटैक किया तो वो भी इसराइल पर हमला करेंगे। इसराइल पूरी तरह से घिर चुका था। अरब लीडर्स इसराइल के सर्वनाश की मांग कर रहे थे, जिससे यहूदियों को यह साफ हो गया था कि अब नहीं तो तब जंग नजदीक है। पर शायद ही मामला इतना सब कुछ होने के बाद भी ठंडा पड़ जाता। लेकिन फिर 22 मई को नासिर के ऑर्डर पर स्ट्रेट ऑफ तिरान यानी कि ये जगह इसराइली शिप्स के लिए बैन कर दी जाती है। अब ये इसराइल के लिए रेड लाइन क्रॉस करने सा था। उसने 1956 स्विस क्राइसिस के दौरान ही कहा था कि उसके खिलाफ नेवल ब्लॉकेड एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ये मूव उसी के बराबर था। पहले डिप्लोमेसी के जरिए इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है पर फायदा कुछ नहीं होता। ना केवल नासिर ये आश्वासन मांग रहा था कि इसराइल वादा करे कि वो कहीं पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि उसकी एक शर्त ये भी थी कि जो पैलेस्टीनियंस दूसरे देशों में नेमली इजिप्ट जॉर्डन लेबनान में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं उन्हें इसराइल वापस अपनी ज़मीन पर जाने दे, यानी इस रिफ्यूजी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। इसराइल इसके लिए रेडी नहीं था, यही वजह है जो इजिप्ट भी स्ट्रेट ऑफ तिरान को बैन रखता है। इसलिए सारे तिगड़म करने के बाद भी जब मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो इसराइल के लीडर्स ने 14 दिन बाद यानी 4 जून को एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करी, जिस मीटिंग के दौरान वोटिंग की जाती है। 14 में से 12 लोग अरब देशों के साथ जंग करने पर मुहर लगाते हैं और फिर प्लानिंग शुरू होती है और अगली सुबह जो होता है वो पूरी दुनिया को चौंका देता है। 4 जून को ही कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो सबसे अहम मुद्दा था वो था कि अरब देशों के एयरफोर्स को कैसे हराया जाए। इसराइल की मोसाद ने काफ़ी इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रखी थी, जिससे इसराइल को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अरब देशों की ग्राउंड फोर्स इतनी मजबूत नहीं है जितनी उनकी एयरफोर्स है। इसलिए अगर ये जंग जीतनी है तो सबसे पहले इनकी एयरक्राफ्ट और बेसिस को तबाह करना होगा। इसीलिए इसराइल अगले दिन ऑपरेशन फोकस लॉन्च करता है, जिसका एक ही मकसद था तबाही। सबसे पहले 5 जून की सुबह को लगभग सारे फाइटर जेट्स तेल अवीव से उड़ान भरते हैं। लगभग 8:10 के करीब ये इजिप्ट के पोर्ट साद और किरबित एयरबेस के ऊपर बम बरसाते हैं, ऐसे बम जिनके कारण
पूरे इजिप्शियन एयरक्राफ्ट वल्कैनो की तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बम जानबूझकर एयरबेस के रनवे पर फेंके जाते हैं ताकि जो बचे प्लेन हैं वो भी उड़ान भरने लायक नहीं बचे। इसराइल ने बहुत सारे इजिप्ट के एयरबेसिस पर उसे ग्रेड में बम गिराए थे, उन्हें तबाह कर डाला था। अब हो सकता है कि आपके मन में आए कि जब इसराइल इजिप्ट के प्लेन बर्बाद कर रहा था तो इजिप्ट ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या उनके पास एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं थी? वेल, ऐसा नहीं है, उनके पास सोवियत की तरफ से दी गई एयर डिफेंस मिसाइल्स थी, पर गलती से उस दिन नासिर के करीबी दोस्त अमेर साइनाई के एयर स्पेस में अपने विमान में उड़ रहे थे, जिस कारण इजिप्शियन फोर्सेस को ऑर्डर दिया गया कि वो एयर डिफेंस मिसाइल्स को लॉन्च ना करें, क्योंकि नासिर को डर था कि कहीं वो अमीर के प्लेन को ना लग जाए। पर इससे इसराइल का रास्ता साफ हो गया। अगले 3 घंटे के अंदर इजिप्ट के कुल 420 विमान में से 304 बुरी तरह तबाह हो गए थे, बचे हुए बुरी हालत में थे। इतना ही नहीं, साइनाई की पहाड़ियों से इसराइल टैंक की सेना लेकर भी अंदर चला रहा था, यानी सिचुएशन बड़ी टेंस थी। लेकिन बावजूद इसके इजिप्ट की मीडिया रेडियो के जरिए ऐसे फॉल्स अनाउंसमेंट्स करती है कि इजिप्ट के प्लेन इसराइल के शहरों में तबाही मचा रहे हैं, और तो और किंग हुसैन की जब नासिर से बात होती है तो नासिर उनसे यही कहता है कि इजिप्ट की आर्मी ने इसराइल पर फतह हासिल कर ली है। और ये सुनकर करीब 9:30 बजे जॉर्डन के किंग रेडियो से अनाउंस करते हैं कि इंतकाम की घड़ी आ गई है। बस फिर कुछ ही मिनट में तेल अवीव पर रॉकेट छोड़े जाने लगे, यानी इस लड़ाई को नया फ्रंट मिल गया। IDF इस मूव के लिए भी तैयार थी। एक तरफ उसने इजिप्ट से अपने विमान वापस बुलाकर जॉर्डन के एयरबेस के लिए रवाना कर दिया, दूसरी तरफ उसने वेस्ट बैंक के लिए भी अपनी आर्मी की कई टुकड़ियाँ भेज दी। अब अगर इन दोनों देशों की आर्मी अच्छी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रेटेजिकली लड़ने वाली होती तो शायद इसराइल पहले दिन ही हार जाता या हथियार रखकर जंग बंद कर देता, पर ऐसा हुआ नहीं। जब इसराइल की सेना जो गजा के जरिए साइनाई में घुसी तो इजिप्ट की सेना को पता भी नहीं चला कि जंग शुरू हो गई है। उन्हें लगा कि ये कोई यूजुअल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नतीजा, इसराइल की सेना ने उन्हें हराया और उनका रास्ता साफ हो गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक खबर 4:00 बजे मिलती है कि मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है, तो वो तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इधर सोवियत यूनियन के लीडर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। उसी दिन UN में एक इमरजेंसी मीटिंग की जाती है, लेकिन ये सब कुछ जंग पर कोई असर नहीं डालता है। जंग वैसे ही जारी रहती है। इसराइल ने पहले दिन ही तीनों देशों के एयरफोर्सेस को तबाह कर दिया था, जो हर तरह से जंग को उसके फेवर में ले आई थी, क्योंकि रेनफोर्समेंट आने में टाइम लग रहा था, वेपन्स भी नहीं मिल रहे थे। पहले दिन सारी लड़ाई इजिप्ट से होती है, जिसमें मैंने बताया कि इजिप्ट को नुकसान ही नुकसान होता है। उसके आधे से ज़्यादा फाइटर जेट्स तबाह हो जाते हैं, उसके हाथ से साइनाई की पहाड़ियाँ चली जाती हैं, उसका स्ट्रेट ऑफ तीरान भी अब नहीं रहता है। जंग के दूसरे और तीसरे दिन अरब मुल्कों के लिए और भी घातक साबित होते हैं, क्योंकि इन दोनों दिन जंग का सारा फोकस वेस्ट बैंक की तरफ खींच जाता है। वेस्ट बैंक के लगभग हर शहर में लड़ाई चल रही थी, पर किसी ने भी आशा नहीं की थी कि ये जंग पाक शहर यरूशलम में भी छिड़ जाएगी। लेवी एशकोल, जो जंग के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री थे, कहा जाता है कि वो यरूशलम में IDF को भेजने को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन दोस्तों, वॉर की स्ट्रेटजी इसराइल की पहले दिन से ही बदल गई थी। अब वो अरब मुल्कों को कड़ी हार देने के माइंडसेट से नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने के माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे थे, इसलिए IDF को यहाँ भेजा गया। लड़ाई आमने सामने टक्कर वाली हुई, लेकिन 7 जून की दोपहर तक IDF ने वेस्ट बैंक में दबदबा बना लिया। इतना ही नहीं, IDF ने यहाँ सबसे बड़ा हाथ तब मारा जब उन्होंने यरूशलम के पुराने शहर जहाँ मस्जिद अल अक्सा है वहाँ से जॉर्डन का कंट्रोल छीन लिया। यहूदियों के लिए 6 दिन की जंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था। दरअसल ये जो जगह है यहूदियों के लिए सबसे अहम है, इसे कहते हैं द वेस्टर्न वॉल। यहूदियों का मानना है कि ये उनके टूटे टेम्पल की आखिरी निशानी है। इससे पहले उन्हें इस दीवार के करीब भी नहीं आने दिया जाता था, पर अब ये उनके कंट्रोल में आ गई थी, जिसे आई कोट वो अब कभी वापस नहीं लौटाने वाले थे। जैसे जैसे दिन बीते इसराइल और फैलता चला गया। 9 जून तक वो सीरिया के गोलान हाइट्स के कई इलाकों में घुस गया था, और उस जमाने में इंफॉर्मेशन इतनी तेज नहीं ट्रैवल करती थी। यही एक वजह भी है कि जो इतना सब कुछ कब्जा कर लेने के बाद भी दुनिया को अभी इस जंग के बारे में बहुत कुछ नहीं पता चला था, और ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। हालांकि UN में हुई मीटिंग के दौरान 6 और 7 जून को ही इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया तीनों राजी थे सीज फायर के लिए, पर इसराइल नहीं माना। उसने जानबूझकर सीज फायर नहीं होने दी और वो नई ज़मीनों को कब्जे में लेता चला गया। पर जब 10 जून को फाइनली जाकर एक ऐसा सीज फायर हुआ जो ये जंग अगले दिन ही रोकने वाला था, तब भी इसराइल गोलान हाइट्स के जरिए सीरिया में घुसता चला गया। हकीकत तो ये है कि वो दमास्कस तक पहुँच गया था। वो तो कहो सोवियत यूनियन की धमकियों के बाद ही उसने हथियार रख दिए, वरना वो सीरिया की राजधानी में भी लड़ाई करने वाला था। खैर, अंत में इस जंग के रुकने के बाद नतीजा ये निकला कि इसराइल ने साइनाई की पहाड़ियों, आधे से ज़्यादा वेस्ट बैंक और ऊपर गोलान हाइट्स सब अपने कब्जे में ले लिया था। यानी अब इसराइल अपने
ओरिजिनल साइज से 3 गुना बड़ा हो गया था और उसके लीडर्स के अनुसार अब वो पहले से ज्यादा अच्छी पोजीशन में था अपने दुश्मनों से पीस की बातचीत करने को लेकर। यानी जाहिर है अब अरब मुल्कों को घुटने टेकने पड़ेंगे इसराइल के आगे, पर ऐसा होता नहीं है। अरबी मुल्क इसराइल से हाथ नहीं मिलाते हैं, उल्टा और नफरत बढ़ जाती है। इस पर तो मैं भी आऊँगा कि कैसे जंग के बाद अरब मुल्कों ने वापस इसराइल से जंग की थी। अभी के लिए बात करते हैं कि जंग हारे क्यों। इस जंग को हारने के कई कारण हैं, पर सबसे जो मेन कारण है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला, नासिर को जब मालूम था कि स्ट्रेट ऑफ तिरान पर ब्लॉकेट करने से इसराइल जंग करेगा, तो उसने अपनी आर्मी को अलर्ट मोड पर क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं उन्हें यह समझाया गया कि जंग हो सकती है, और क्यों नहीं जंग के लिए एडवांस में प्रिपरेशन की गई? जबकि सच तो यह है कि 24 मई 1967 को ही इसराइल ने हिंट दिया था कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं, जब उन्होंने अपनी रिजर्व सेना को एक्टिव आर्मी के साथ जोड़ना शुरू किया। ये सब वो फालतू के लिए या दिखावेबाजी के लिए तो कर नहीं रहे थे। और ऐसा नहीं हो सकता है कि इजिप्ट के जासूसों को इन गतिविधियों के बारे में बिल्कुल पता ही न चला हो या नासिर को ये बात मालूम न हो। तो इसके बाद वो अलर्ट मोड पर क्यों नहीं था? प्लस सुबह सुबह कई फाइटर जेट्स टेल अवीव से उड़ते हैं और इजिप्ट की आर्मी को इस बात की खबर तब लगती है जब उनके एयर बेसिस पर बम गिराए जाते हैं। इससे बड़ा फेलियर हो ही नहीं सकता है। यानी साफ है उसकी आर्मी अलर्ट मोड पर नहीं थी। दूसरा, अरब मुल्कों के बीच तालमेल अच्छा नहीं था। दोस्तों, नासिर को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सच सच बता देता कि इसराइल की रेड्स की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, तो शायद जॉर्डन यूं बेबाक होकर अंधाधुंध हमला ना करने लग जाता और वो जंग की शुरुआत ना करता। तो इसराइल के पास उससे लड़ने के लिए कोई ख़ास वजह नहीं होती। इन विच केस सोवियत यूनियन प्लस अमेरिका दोनों ही इसराइल को जॉर्डन पर अटैक ना करने देते। पर ऐसा हुआ नहीं और नतीजा ये निकला कि पैलेस्टीनियंस के हाथ से यरूशलम का पुराना शहर भी चला गया। खैर, ये तो थी कहानी उन 6 दिनों की जिसने इसराइल और मिडल ईस्ट की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए इसको यहीं रोकता हूँ। अगर आप कमेंट करके पार्ट 2 चाहिए लिखेंगे तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अरब मुल्कों ने मिलकर सारी ज़मीनों को इसराइल के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए योम कीपुर वॉर लड़ी थी, उस जंग का आखिर क्या नतीजा निकला था और क्यों उस जंग को ज़ायनिस्ट आज तक याद रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।